की कुंडली में सकट योग है, ठीक है। सकट योग होता है चंद्रमा से छठा स्थान में गुरु, चंद्रमा से द्वादश स्थान में गुरु, चंद्रमा से अष्टम स्थान में गुरु। और ऐसा कंडीशन होने से जिंदगी का खेल सकट, सकट माने सगड़ गाड़ी माने बुल बुल बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का चक्का जैसे आदमी का लाइफ थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होता है, जैसे चक्का गोल रहता है ना, एक तरफ धीरे धीरे ऊपर उठेगा, फिर नीचे तरफ आ जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर गिरेगा। जितना बार भी जिंदगी में आप ऊपर उठोगे उतना बार नीचे गिर जाओगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, चंद्रमा से जब गुरु षष्ठ स्थान में बैठते हैं, अब सोचो मकर राशि के लिए गुरु तो कारक नहीं है, ठीक है, अकारक है। हाँ, एक फायदा यह है कि द्वादशाधिपति बन के छठा में बैठा, एक राजयोग बना दिया, लेकिन ये तो छठा द्वादश का राजयोग है कि नहीं, तो ये कोई बहुत बड़ा इफेक्टिव राजयोग तो नहीं बनता है। लेकिन यहां शुभ ग्रह जब छठा स्थान में बैठते हैं तो लाइफ में क्या होता है ना, कि आपके जिंदगी में शत्रु का, ऋण का, रोग का कंट्रोल शुभ ग्रह ये जो छठा स्थान में कर नहीं पाते। छठा स्थान को आवश्यक है पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, बलि पाप ग्रह। यहां गुरु जब बैठ गया तो ये करता क्या है, शत्रुओं को, कौन शत्रु है कौन मित्र है समझ नहीं पाता है आदमी जिंदगी में, ठीक है। और शत्रु के साथ भी दोस्ती कर लेता है, और शत्रु अंदर अंदर उसका मतलब पेंदी काटते रहता है, या शत्रु अंदर अंदर धोखा देते रहता है, इसको समझ में नहीं आता। शत्रु को शत्रु बुद्धि में देख नहीं पाना, इसका सबसे बड़ा समस्या। और यहां पर जो गुरु है, यहाँ लग्न से भी द्वादश में बैठ गया, तो द्वादश का गुरु को ब्रह्म दोष, किसी किसी को ब्रह्म श्राप दोष, किसी और अगर चांडाल होके बैठा तो ब्रह्म चांडाल दोष, गुरु चांडाल दोष बोलते हैं। लेकिन आपका गुरु चांडाल नहीं है, लेकिन खाली गुरु बैठा हुआ है उच्च अभिलाषी द्वादश स्थान में। तो दोनों साइड से लॉस का दर्ज हो रहा है फ्रॉम द गुरु, और उसी का दशा अंतरदशा चल रहा है। तो वो एक तो लॉस हाउस का लॉर्ड, वो जाके दूसरा लॉस हाउस में बैठता है, तो जिंदगी में लॉस होना, ऋण का मात्रा बढ़ना, ऋण को चुकाने के लिए और ऋण लेना, या इस ऋण को चुकाने के लिए घर बार बिक देना, और इस प्रकार का समस्या इसमें कुंडली में बता रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको ब्रह्म दोष का निवारण करना बड़ा आवश्यक रहता है, कि ऐसे गुरु का महादशा में गुरु को शांति करने के लिए आप अभी तक क्या किए हो। और इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है ना, अगर पूर्व जन्म में हो, किसी भी ब्राह्मण का धन कोई खाया है, या किसी भी ब्राह्मण का अभिशाप मिल गया है, या कोई भी किसी ब्राह्मण को सताया है पूर्व जन्म में होने से, क्योंकि बकरी भी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो बकरी मीन्स पूर्व ग्रह का, पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्म, ठीक है। और ये जितना ज्यादा उच्चाभिलाषी होगा उतना ज्यादा ज्यादा किसी ब्राह्मण का धन। तो ऐसे कंडीशन में इस जन्म में आप देखना, आपके जीवन में ब्राह्मण के द्वारा नुकसान होना, गुरु के द्वारा नुकसान होना, बड़े लोगों के द्वारा नुकसान होना, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन, कि कौन है जो इसके पीछे, सौम्य होगा, भद्र होगा, बहुत अच्छा बात करता रहेगा, एकदम ऐसे आएगा जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसे गलत हुआ होगा। आपके पास ऐसे शत्रु होंगे जिसको आप कभी पहचान नहीं सकते कि ये पीछे मेरा ऐसा कर रहा है क्या। मुंह में बहुत मीठा मीठा बात बोलेगा, लेकिन अंदर से इतना ज्यादा छुरी पेलेगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, और सब कुछ आपको खोखला करके रख देने वाला कंडीशन बनता है, ठीक है। तो इसको शांति कराना बहुत जरूरी होता है,
गुरु बाबा शांति हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु बाबा खाली दंड कष्ट दुख देते हैं बोल के, शांति भी हो जाते हैं। इसका नवग्रह शांति कराइए और इसमें स्पेशल गुरु शांति के लिए मंत्र का जाप करिए, गुरु का मंत्र का जाप करिए और उसका दशमांश हवन करके गुरु सिद्धि कर लीजिए, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं यहां से करूंगा तो रिजल्ट आपको 30% मिलेगा, नहीं करूंगा बोल के नहीं कहता हूं। जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, अमेरिका, कनाडा, जर्मन, जापान, आयरलैंड, आइसलैंड, ये लोग जब मेरे को बोलते हैं तो वो लोग वहां नहीं कर सकते, उनके मंदिर में आग वगैरह नहीं जलता है, मंदिर नहीं है, तो यहां से करवाना पड़ता है। लेकिन मैं हाथ खोल के बोल देता हूं, देखिए यहां जब तक यजमान यहां नहीं है तो 100 में से 30% का रिजल्ट मिलेगा, ईमानदारी से बोल दे रहा हूं। और यजमान यहां पर है, इसके सामने करता हूं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपके भक्ति और कर्म और उसमें जो जो कर्म है अगर करते हो तो आपको हो सकता है, अगर ग्रहों को क्या है ना, प्रार्थना करने से और उनका पूजा पाठ करने से, प्रसन्न करा देने से, ग्रह शांति करने से, ब्रह्मा का ये आदेश है, ये आदेश है कि आप इन ये कष्ट दंड और नहीं दोगे तो 100% भी रिजल्ट मिलता है। ये आपके ऊपर है, आपका कर्म फल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। देखिए मंदिर, नवग्रह का मंदिर हर जगह में रहता है, आप हर जगह में करा सकते हो। और कराने के बाद 3 दिन, तीन 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 पक्षों मतलब 45 दिन, 3 महीना, 3 साल के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो समझना नहीं हुआ है, और मिल जाता है तो समझना कि आपके बृहस्पति शांत हुए हैं, क्षमा कर दिए हैं और आपको इस प्रकार का समस्या से मुक्ति मिल गया है, और आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, करा के देखिए हो जाएगा। नवग्रह शांति यज्ञ कम से कम 14 घंटा का यज्ञ रहता है, कम से कम 3-4 पंडित मिलके करना पड़ता है, कोई अकेले ब्राह्मण का खेल ये नहीं है, ठीक है। और उससे पूर्व आप अपना जप काम करिए, जप जप शुरू कर दीजिए, गुरु बृहस्पति का मंत्र लेके उसका जप करना चालू कर दीजिए, तो भी आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा।